ये था लेट एटीन ट्वेंटीज एंड अर्ली थर्टीज में अर्ली एटीन थर्टीज में किसने स्टार्ट किया था दे ने हेनरी विवियन कौन था ये एंग्लो इंडियन बाईस साल की उम्र में मर गया था ये है ना 1831 में ही डेड उस टाइम में इन्होंने क्या कर लिया एक एसोसिएशन बना दिया बेसिकली यंग मूवमेंट यंग बंगाल मूवमेंट जो था कल्ट था ये कॉलेज के अंदर कल्ट बन जाते हैं ना जिससे ओनली द यूथ पॉपुलेशन कैन कनेक्ट ये क्या था हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे ये, ये एंग्लो जो इंडियन था, ये कहां था, था? था। के, उन खुद को डेरोजियंस बोलना शुरू कर दिया उन्होंने ठीक है इसी वजह से हम देखते हैं ना कि इनको बाकी सोशल ग्रुप्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा था क्यों उनके हिसाब से बच्चे हैं जैसा आज की डेट में आप देखते हैं हम अगर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी कॉलेज के अंदर चल रही है तो जो बड़े साठ साठ सत्तर साल वालों को ज्यादा भाव देते नहीं है है ना पचास पचास पचपन साल वाले जो बुढ़ापे में जाय रिफॉर्म एसोसिएशन हैं उनकी बुराई नहीं कर रहा पचपन वालों की लेकिन जो यंग यूथ है जो यूथ है पूरी तरीके से जो एक अपना रेडिकल आइडियोलॉजी पे चल रहा है तो या तो उन्हें ये लगता है कि ज्यादा रेडिकलाइज है ये उम्र से पहले या फिर उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते वो तो इनके साथ भी यही केस था नए नए सोशल ग्रुप्स ने सपोर्ट किया और ये मास के साथ भी कनेक्ट कर नहीं पाए कहाँ रहा है इनका लिमिटेशन किसके में रही जो यंग पॉपुलेशन थी स्पेशली दी कॉलेज पॉपुलेशन उसी के अंदर एक कल्ट बन पाया जिसको हम डेरोजियंस बोलते हैं आज के में, और उसको हम क्या बोल रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन <coughs> चलता ही रहता है हर्ष सब तो फ्रेंच रिवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे इन्होंने बोला कि भाई आपको हर एक अथॉरिटी यू कैन क्वेश्चन ऑल अथॉरिटीज लव एंड लिबर्टी से जीना है और इेवेंट कस्टम्स और ट्रेडिशन को अपोज करना है आपके कोई समझ में क्वेश्चन नहीं आ रही है चीज तो यू शुड क्वेश्चन इट अगर आप किसी चीज से एग्री नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन इट सामने से जाके सवाल पूछो बाकी प्रिंसिपल जो थे वो थे वो देवर अबाउट लव एंड लिबर्टी इक्वेलिटी लव एंड लिबर्टी इक्वेलिटी एंड अपोजिशन टू इरेवेंट एंड अपोजिशन टू इर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑल्सो सपोर्टेड वुमेन एजुकेशन एंड राइट्स सपोर्टर ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड एजुकेशन अब क्वेश्चन आता है वॉट वो आर द कॉजेज ऑफ देख ज्यादा चल नहीं पाए ये ज्यादा टाइम तक लेकिन काफी ज्यादा फेमस हुआ था

इनकी डिमांड को भी सीरियसली लेता नहीं था और अब इक्कीस साल का लड़का खड़ा होकर बोला कि ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर लेबर की कंडीशन सही होनी चाहिए और कोई बड़ा है नहीं उनके साथ बजा मतलब टू में एटीन में टू में एक्सपायर एक्सपायर तो साल की उम्र से ये हिंदू कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे थे और जब इन्होंने स्टार्ट किया ये तो इक्कीस साल तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ सत्रह अठारह साल के और इनके जो चेले चपाटे थे वो भी इतने के होंगे और इनसे ही छोटे होंगे तो वो सब जाते होंगे बच्चे बच्चे है वुमेन वुमेन एजुकेशन वो राइट तो कोई इन्हें सीरियसली लेता नहीं था ज्यादा और बोला जाता था कि जो इनकाल रेडिकलिज्म है वो ज्यादा बुकिश कैरेक्टर का है होता है ना कि मतलब कॉलेज वगैरह में यूनिवर्सिटीज वगैरह में नारे ज्यादा लगते हैं ग्राउंड लेवल पे वर्क कम होता है तो वही इनके साथ भी दिक्कत थी इनको इसीलिए ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारा बुकिश है कैरेक्टर का नारे नारे लगाते हो काम तुम करते नहीं कुछ इनका जो रेडिकलिज्म था दैट वॉज इन बुकिश इन कैरेक्टर और इस वजह से माँ से कनेक्ट कर नहीं पाए दूसरी बात पेजेंट्स का जो कॉज था जो जमींदारों ने ऐसा नहीं है कि इन्होंने उठाया नहीं उसे बट इनफ नहीं उठाया उसके बाद ज़्यादा उतना ज्यादा फोकस किया नहीं उसके ऊपर इस वजह से भी ज्यादा फेमस हो नहीं पाया इस वजह से फेल हो गया ये ठीक है तो फेलियर्स के रीजन लिखेंगे कॉजेज ऑफ फेलियर है फर्स्ट लिखेंगे देवर टू रेडिकल देवर टू रेडिकल कंसिडरिंग द सोशल बेस They're considering the social conditions of the society at that time conditions of the society at that time they lacked support from other social groups they lagged सपोर्ट फ्रॉम अदर सोशल ग्रुप्स नेक्स्ट पॉइंट दे लैग्ड एनी काइंड ऑ लिंक विद द मासिस या दे लैग्ड लिंक टू बी लिंक्ड विद द मासिस

लेकिन ऐसा बोला जाता है तो हम उनको राममोहन रॉय को क्या बोला समय से पहले अपने समय से पहले वो रिफॉर्म्स लाने शुरू कर दिए जो मतलब सबसे पहले इंसान बने जो मॉडर्न आइडियाज इन्फ्लुस करना शुरू किया इंक्लूड मतलब इंक्लूड करना शुरू किया इंटू दिन सोसायटी जो एम्गेशन था बिटवीन दी वेस्टर्न थॉट्स एंड द इंडियन थॉट्स जो अच्छी चीजें वहां से भी उठाई और जो अच्छी चीजें हैं वो हिंदू कल्चर से भी ट्रेडिशन से भी उठाए को मर्ज कर दिया वो राजा राममोहन राय ने स्टार्ट किया और उन्होंने और भी चीजें बोली थी कि हायर सर्विसेज में इंडियंस को इंडक्ट करना चाहिए ये सब चीजें भी डिमांड की थी राममोहन रॉय ने तो ये चीजें भी कर रहे थे मतलब वर आस्किंग फॉर द द सेम थिंग्स तो तो कुछ पॉजिटिव 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 लगा लेना समथिंग लाइक पॉइंट्स हैं क्योंकि पहली फेलियर लिख लिया हमने पॉजिटिव पॉइंट जो है वो क्या क्या है दे फेल्ड एक मिनट दे फेल्ड टू पेकअप दॉ पीई एस एन टी एस प्रेजेंट कॉज दे कैरीड फॉरवर्ड राम मोहन आइडिया राजा राम मोहन रॉय आइडियाज दे कैरीड फॉरवर्ड राजा राम मोहन रॉय आइडियाज They asked for. They asked for. Induction of Indians. They asked for induction of Indians. Induction. Introduction. Induction. Induction of Indians into the higher services. नेक्स्ट प्रोटे फ्रीडम ऑफ प्रेस नेक्स्ट ट्रायल बाय ज्यूरीज नेक्स्ट बेटर कंडीशन्स या बेटर ट्रीटमेंट बेटर ट्रीटमेंट

इक्वालिटी के लिए बात कर रहे हैं एंड लिबर्टी की बात कर रहे हैं ट्रेडिशन कस्टम को अपोज करने की बात कर रहे हैं अगर वो रिलेवेंट लगते हैं नई ह्यूमन रीजनिंग को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं अगर वो ट्रेडिशन कस्टम तो यू शुड डिस्कार्ड दम डिस्पेल दम इनको बोला गया था पायनियर्स ऑफ मॉडर्न बंगाल सिविलाइजेशन या मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल पायनियर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगोल मतलब एक कोर्ट बोला गया था भाई समवन जिसके अंदर ये बोला गया कि डेरोजियंस वर्दी पायनियर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन सिविलाइजेशन नाउ द पॉइंट इज ये किसने बोला इनको ये बोला सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने एस एन बैनर्जी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इनको पायनियर्स बताया मॉडर्न बंगाली सिविलाइजेशन का जी एक मिनट डिमांड्स इनकी थी कि पहले तो इंडक्शन ऑफ इंडियंस इनटू टू हायर सर्विसेज सेकंड वन वाज बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर इन ब्रिटिश कॉलोनीज थर्ड नेक्स्ट वाज़ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड ट्रायल बाय ज़ूरीज़ एंड उसके बाद दे फॉर क्या था ये तो बोल दिया मैंने उसके बाद लास्ट क्या था यही था ना तीन थे फ्रीडम ऑफ प्रेस बोल दिया ट्रायल बाय ज़ूरीज़ बोल दिया बेटर कंडीशंस ऑफ इंडियंस या बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस इन और इंडक्शन ऑफ यही चार थे हाँ वही मतलब वो तो वही वाला पॉइंट है ना कि इंडक्शन ऑफ इंडियन इन हायर सर्विस क्लियर है, Clear है? याद लेना कोई कॉलेज का लड़का एकदम मूवमेंट करने में लगा पड़ा है से चला नहीं क्या क्या रीजन हो सकते हैं अपने आप याद आ जाएंगे कि बुढ़ापों ने सपोर्ट नहीं करा मासिस के साथ लिंक नहीं कर पाए बोल देगा भाई तू तो ज्यादा रेडिकल है।, है ना तो यही सब रीजन है जिसकी वजह से यंग बेंगाल मूवमेंट ज्यादा फंक्शन कर नहीं पाया